I S.K. Mohanta, hereby heartily welcome you to my YouTube channel SKM Deep Research. How are you? I hope that you are good by blessing of God. Hereby I convey regard to superiors and handshake to friends and love to youngers. First, I am feeling sorry for my previous video. That contents was good, but editing was not attractive. That video had not edited by thumbnail and background. I uploaded that video without thinking. Today, we shall discuss about main function of blood. I hope that it will be good to discuss with Hindi for better explanation. मैं सुरेंद्र कुमार महंत आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल SKM डीप रिसर्च को। ये चैनल आपका चैनल है जो कि आप सभी सब्सक्राइब करके एक चेन के बंधन में सब्सक्राइबर के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। इसीलिए आपको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता है। मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कि हाई ब्लड प्रेशर है। आप इस टॉपिक में इस मेजर प्रॉब्लम को एक सिंपल वे में आपके सामने उपस्थापन करूँगा। आप इस विषय पहले भी यूट्यूबर बनाकर दिखाए होंगे, लेकिन मैं आपको यह विषय बहुत सिंपल वे में समझाकर आपका खिरदारूपक जिज्ञासा पूर्ति करने का आशा लेकर आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको कृपया ध्यानपूर्वक देखिए और इसका ज्ञान को अपना डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोला जाता है। ये ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्रिएट करता है। आइए इस हाई ब्लड प्रेशर को एक सिंपल वे में समझेंगे। जब हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे सारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है। तो आइए ये ब्लड शरीर के लिए सब जगह जाना जरूरी क्या है इसके विषय में अच्छा तरह ज्ञान लेंगे जिससे ये टॉपिक समझना इजी होगा। ये ब्लड हमारा शरीर में तीन प्रकार का काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंस, दो रेगुलेटिंग ब्लड लेवल ऑफ सब्सटेंस, थ्री प्रोटेक्शन। तो आइए पहले जानेंगे ये क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है। ये शरीर के अंदर जो सेल रहता है उसके पास O2 RBC नाप बनकर ये सेल के पास पहुंच जाता है। जो हम फूड खाते हैं उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है वह सेल के पास खून से पहुंच जाता है। यानी सेल का फूड ये खून है। इसीलिए खून में सब उपादान रहना जरूरी है जिससे हम निरोग रह सकते हैं। तो ये खून में फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो उसके बाद ये यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको फिल्टर करने के लिए किडनी के पास भी ले जाता है। ये रेगुलेट भी करता है, मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन और बॉडी का हार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन रहता है उसको उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखने का काम करता है। हमारा पीएच लेवल को मेंटेन करता है। यानी आप खट्टे चीज बहुत खा लिया तो आपका शरीर का खट्टा नहीं बनाएगा। ये पीएच लेवल नॉर्मल करने के लिए इसको किडनी फिल्टर करके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। तो आप खुद देखिए और समझिए ये खून सेल के पास नहीं जाएगा
तो आपका सेल को पोषण नहीं मिलेगा, तो उस जगह वीक रहेगा, खून नहीं पहुंच पाएगा, तो उस जगह फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत चांस है। हार्ट जब पंप करता है तो उसके प्रभाव से खून दौड़ना शुरू होता है, पहले वह राइट हैंड को ब्लड सप्लाई देता है और बाद में लेफ्ट हैंड को। और एक चीज आपको बताना मैं बेहद उपयुक्त मानता हूं कि मेरा एक चैनल है जो कि द बैड फूड दैट गेट डिजीज, आप इसके साथ देखेंगे तो आपका इस विषय में ज्यादा नॉलेज होगा। आप देखिए इस विषय आप अच्छा तरह समझ पाएंगे। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है वह वेन के अंदर जम जाता है और खून आना जाना पथ को संकुचित कर देता है। तो आपको यह बताना बहुत उपयुक्त मानता हूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा जगह में नहीं जमता, जहां पहले से आपका वेन प्रॉब्लम हो चुका है वहां ये कोलेस्ट्रॉल जमकर खून जाना आना प्रॉब्लम करके ये हाइपरटेंशन डिजीज क्रिएट हो जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये हाई ब्लड प्रेशर का एक गुरुतर डिजीज है जो कि मेन रीजन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वेन में चिपक कर खून जाना आना बंद हो जाता है। तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल हर जगह में नहीं चिपकता, जिस जगह में वेन का अंदर का सरफेस अफेक्टेड रहता है वहाँ आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल चिपक जाता है, और जिसका वेन में पहले से प्रॉब्लम नहीं है वहाँ ये फिसल जाएगा और कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तो डैमेज एरिया में ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चिपक कर आपका जिंदगी ले सकता है। तो आपको पैरालिसिस जब अटैक करता है तब आप सोचते होंगे आपका पैर और हाथ में प्रॉब्लम होकर पैर हाथ नहीं चलता, लेकिन एक्चुअल मैटर इस प्रकार है, जब आपका लेफ्ट हैंड और पैर में पैरालिसिस हो जाता है तब आपका हेड के राइट वेन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहकर और किसी भी कारण क्लॉट हो जाता है, जिससे ये बीमारी आपको हो जाता है, और इस तरह राइट साइड का पैरालिसिस उसी तरह हो जाता है। 30 साल के बाद आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब भी ये ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस तरह होते हैं जो कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है, बाद में वो ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस का रूप को ले जाता है। तो आइए इस ब्लड प्रेशर को फिर से अच्छा तरह समझेंगे। जब हार्ट पंप करता है उस समय हार्ट को जितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स मोड में रहता है तब भी ब्लड सर्कुलेशन जीरो नहीं होता, उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। ये दोनों में से सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, ये दोनों में से एक भी बढ़ा हुआ है तो वह प्रॉब्लम का बात है। इसका मतलब आपका प्रेशर 120/80 रहना चाहिए, लेकिन 120 जगह 142 है तो वह प्रॉब्लम का बात है। नीचे का 80 है, 80 से अधिक मतलब 100 या इसके ऊपर है तो ये प्रॉब्लम का बात है। जब हम रेस्ट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर यदि पहले से बढ़ा हुआ था तो कुछ नीचे आ जाता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को रात को नींद में सोना जरूरी है। यदि आपको नींद नहीं आ रहा है तो आपका रोग गंभीर की तरफ जा रहा है।
ब्लड प्रेशर जरूरी है, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तो ब्लड जब जग सब जगह नहीं जा पहुंच पाएगा, जिससे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसका प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर जब बहुत कम हो जाता है तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो दिमाग की नस फट सकता है। ब्लड प्रेशर बहुत कम या बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना। तो आइए अभी जानेंगे ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर स्क्रीन में दिखाए गए कारणों की वजह से बढ़ जाता है। पानी का लेवल, हार्मोन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन और आपका दिमाग का नर्व फंक्शन, ये सारे चीज़ का तालमेल में आपका हार्ट फंक्शन नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर को 120/80 ऐसे बोला जाता है, और ऊपर जो 120 है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट पंप करता है वह है 120, और जब हार्ट रिलैक्स स्टेज में रहता है तब होता है 80। 60-90 तक रहना चाहिए नीचे वाला आपका ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर 140 से अधिक है तो ब्लड प्रेशर हाई है, और नीचे वाला 60 से भी नीचे है तो ब्लड प्रेशर लो है। ये हाई और लो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, जो कि प्रॉब्लम का कारण बनता है। ब्लड प्रेशर रिलैक्स स्टेज में नापा जाता है। आप दौड़कर या कहीं से भी भाग कर आए हैं और प्रेशर नाप रहे हैं तो प्रेशर अधिक दिखाता है। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, जिससे आपका हार्ट, किडनी, नर्व को डैमेज कर सकता है। Thank you.